मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर चरम पर है। मई के महीने में तापमान आसमान छू रहा है और स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? 25 मई से नौतपे की शुरुआत होने वाली है और इसके बाद गर्मी में और तेजी आएगी। रात का तापमान भी बढ़ने वाला है, तो संभल जाइए। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, दतिया, सागर, भिंड, मुरैना, रीवा, धार, उज्जैन और दमोह शामिल हैं। आने वाले एक हफ्ते तक गर्मी का कहर जारी रह सकता है। मैं प्रकाश दौले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि हमने पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है भोपाल, शहडोल, नर्मदापुरम, सागर तथा जबलपुर संभाग के कुछ जगहों पे जो है, जिलों के कुछ जगहों पे जो है वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही जो है हीट वेव कंडीशन रतलाम में रही। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 45.0 डिग्री सेल्सियस रहा तथा धार में भी जो है 44.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन रही। तो जैसे कि पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है तापमान जो है 40 से 44 डिग्री के आसपास ही रहा। तो हमेशा पूरे प्रदेश में जो है गर्मी का असर दिखाई दिया। पर जैसे आप अभी सैटेलाइट पिक्चर देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंटली जो है साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, चक्रवाती परिसंचरण है। उस चक्रवाती परिसंचरण से जो झारखंड की तरफ एक ट्रफ लाइन जा रही है और उसी चक्रवाती परिसंचरण से मराठवाड़ा की तरफ जो है एक ट्रफ लाइन जा रही है। इन दोनों सिस्टम के चलते जो है मध्य प्रदेश पे जो है यहाँ पे आंशिक बादल कहीं पर जा दिखाई दे रहे हैं और इसी की वजह से जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ संभाग में, जैसे कि मैप में यहाँ पे दिखाया गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, अशोकनगर, शिवपुरी तक के जो है आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा देखी जा सकती है। आइसोलेटेड फॉर्मेट में यहाँ पे जो है ग्रीन पोर्शन जो बता रहा है कि यहाँ पे वर्षा आने वाले 24 घंटे में देखी जा सकती है। बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुँचा। गुरुवार को गुना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पारा 46.6 डिग्री तक पहुंच गया। आइए जानते हैं आपके जिले का अधिकतम तापमान। भोपाल 44.4 डिग्री, इंदौर 44.5 डिग्री, खरगोन 44.6 डिग्री, धार 44.6 डिग्री, गुना 46.6 डिग्री, रतलाम 45.8 डिग्री, उज्जैन 45 डिग्री, खंडवा 45.1 डिग्री। नीचे में हमने चेतावनी का एक मैप बनाया हुआ है और उसके साथ एक यहाँ पे रेनफॉल की भी जो है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की भी संभावना हमने इस मैप में दर्शाई गई है। तो ये मैप क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिले तथा उज्जैन, इंदौर संभाग के कुछ जिलों में जो है हीट वेव कंडीशंस रहेंगी, जहाँ पे भी तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास रहेगा तथा यहाँ पे ईस्ट और साउथ ईस्ट एमपी के मोस्ट ऑफ द जिले और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के जिले जो है, जिसमें कि भोपाल, सागर, जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के कुछ जिलों में जो है आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना दी गई है तथा कहीं कहीं जो है मीन्स तेज हवाएं भी चल सकती है। ये तो 23 तारीख का हो गया। इसके बाद सेकंड डे पे ही देखेंगे आप जो है सिस्टम वीक हो जाएगा। उसके साथ ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है साउथ ईस्ट एमपी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है जो पहले दिन के चलते जो है डिस्ट्रिक्ट जो कम हो गए हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुर्ना, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर तथा विदिशा, सागर और रायसेन में कहीं कहीं जो है आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल होने की संभावना है। उसी के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज धूप में बाहर न निकलें और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। तो तैयार रहे इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे ताज़ा अपडेट्स के लिए। यहाँ पे जो है कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती है या तेज हवा भी चल सकती है, लेकिन जो हीट वेव कंडीशंस जो है वो अभी जो आप देख रहे हैं कि हीट वेव कंडीशंस जो है पूरे नॉर्थ मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के मोस्ट ऑफ द जिले जो है ग्वालियर चंबल संभाग और सागर संभाग के मोस्ट ऑफ द जिलों में जो है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगे तथा इंदौर, उज्जैन संभाग के मोस्ट ऑफ द जिले जो है वहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन जो है 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने की संभावना है। फिर जैसे 25 तारीख आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम नील
हो गया है, तो रेनफॉल की संभावना कम है। इसकी वजह से जो है आप नीचे के मैप में देख सकते हैं चेतावनी दी गई है, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और येलो अलर्ट दिया गया है। तो येलो ऑरेंज अलर्ट में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ग्वालियर संभाग का जो है, ग्वालियर चंबल संभाग का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है यहाँ पे कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और निवाड़ी में जो है 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रह सकता है। यहाँ पे धार और रतलाम में 45 डिग्री के ऊपर रह सकता है, बाकी येलो अलर्ट में 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने की संभावना है। और ये डे फोर में फिर 26 तारीख में ये जो तापमानों का जो मीन्स बढ़नापुर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास रहेंगे और हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, तो गर्मी का दौर पूरी अपनी चरम सीमा पर रहेगा। लोकल 18 के लिए भोपाल से त्रितिका तिवारी की रिपोर्ट।